मधुसूदन दास समग्र ओडिया जातिर गर्व और गौरव जी ओडिया उन्नति पाई सैन्य स्वप्ने जागरण देखा स्वप्न को साकार कर अनन्य और अनुदायक जिते खंड विखंडित उत्कल अस्तित्व संग्राम करुला से भाषा भित्तिक राज्य गठन में से साजिद जड़े सच्चा महारथी ओडिया जातिर पुण्य पुरुष चिरस्मरणीय व्यक्तित्व होती उत्कल गौरव मधुसूदन दास ओडिया जनसमाज रे से मधुबाबु एवं मधु बारिस्टर भाव बेस परिचित 1848 मसीहा एप्रिल 28 तारीख में कटक जिलार सत्यभामापुर गाँव में भूमिष्ठ होते ओडिया जातिर सुयोग्य संतान मधुबाबु तुलसी दुई पत्र बासिला मधुबाबु जी भविष्य जड़े योग्य संतान पुरुष हे तार अभ्यास बाल्य काल ही जना पड़ा मधुबाबु माँ पाखु शुणी महामंत्र आलो सखी आपणा महत आपे रखिरे गभीर भाव प्रभावित होते 1853 मसीह गाँ पाठशाला शिक्षालाभ कर से कटक हाईस्कल शिक्षालाभ करते सदा सर्वदा उत्कल जनन सेवा और ओडिया भाषा और साहित्य सुरक्षापी भाव विहल हो पड़ते 1870 मसीह कलिकता जाई ओडिशार प्रथम ग्राजुएट भाव बीए पास कले 1873 मसीह एमए और बीएल पास करी कलिकतारे प्रथम ओडिया भाव वकिलाती करते मधुबाबु मन भितर ओडिया तथा ओडिशा पाई स्वतंत्र स्थान रही 1903 मसीह मधुबाबू प्रचेषार आत्मप्रकाश कर उत्कल सम्मानी स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन निम्ते मधुबाबु लंडन यात्रा करी इंग्रेज सरकार निकट में निजर बलिष्ठ जुक्ति रखिथिले कुटीर शिल्पर विकास कृषि वाणिज्य शिक्षा और संस्कृति क्षेत्र में एक नूतन जागरण सृष्टि करने मधुबाबु थे उद्यमरत से दुई थर उत्कल सम्मेलन सभापति और बिहार ओडिशा व्यवस्थापक सभार सदस्य भाव मनोनीत होते 1921 में बिहार ओडिशा सरकार ने स्वायत्त शासन मंत्री भाव दायित्व ग्रहण करते शिल्पर उन्नति पाई से प्रतिष्ठा करते उत्कल ट्यानेरी और ओडिशा आर्ट ओयार लंडन में ओडिशार कारीगरी शिल्प और चमड़ा शिल्पर विकास पाई एक प्रदर्शनी आयोजन करते ओडिया प्राण से जातीयता भाव उद्रेक करने से बहु कविता और साहित्य सृष्टि करते उकलाती समय निज विचक्षण बुद्धिमतार परिचय देते मधुबाबु पुरी जगन्नाथ मंदिर मकदमा रामचंद्र देव पुष्यपुत्र मकदमा केन्दुझर राजा मकदमा लड़ी जीतवा उकल हो मधुबाबु भाव से बेस ख्याति अर्जन करते मधुबाबू अखंड जुक्ति और न्यायोचित दावी आगे सरकार मथा अवनत होता आ 1936 मसीहा एप्रिल पहिलारे ओडिया नैसर्गिक स्वप्न साकार होता प्रकृत में मधुबाबु थी ओडिया जातिर स्वाभिमान और ओडिया जातिर गर्व और गौरव ब्यूरो रिपोर्ट एनएनएस ओडिया।